ऑन कर लेना है। बातें नहीं करो। अपाचे एंड माई स्किल बोथ। अब मुझे बताओ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप हो, तो मतलब वर्डप्रेस ऑपरेट कर पा रहे हो अभी तक जितना हुआ है? अच्छा, मनी वो ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया ना, और उसके बाद ये सब स्टार्ट वगैरह कर पा रहे हैं? सब हो रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। तो यास्मीन किधर है? अच्छा, लास्ट में आपने इंस्टॉल किया अभी तक? नहीं। यास्मीन, आपके बैच में, सॉरी ग्रुप में ना हमने लिंक शेयर किए थे यूट्यूब के, तो आपने उसके बाद ज्वाइन किया था, उससे पहले ज्वाइन किया था? उसके बाद में आपने ज्वाइन किया है ना, तो आपको कुछ लिंक हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक तो कि दो जो क्लासेस हमारी हुई हैं अभी तक, उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ। आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक है और ड्राइव पर हमने क्या शेयर किया था? आई थिंक ये जैम्प वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोगों ने शेयर किया था ना। एक तो जैम्प शेयर किया था, एक वर्डप्रेस शेयर किया था। तो यहाँ से ओपन करेंगे अपना, यूआरएल में डैशबोर्ड को रिप्लेस करेंगे विद वर्डप्रेस। तो लास्ट क्लास में हमने एक अपना हेडर पार्ट डिज़ाइन किया था कुछ इस तरह से, और उसके अंदर नेबार वगैरह के साथ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए थे गेट वन के लिए। क्या? हाँ, वो भी हम लोग चेंज करेंगे सेटिंग। हाँ, अभी सेटिंग हम लोग बताएंगे कि आपने चेंज करना है। तो क्या करना है, हमने इसमें लॉगिन कर लेना है। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे WP वर्डप्रेस, जो हमारा फोल्डर, उसके जस्ट बाद में हमने लिखना है WP एडमिन। तो WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस एंड एडमिन, ठीक है। आप लॉगिन भी लिखोगे तो भी ये कंसिडर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हम लोगों ने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है अपना, यहाँ से आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पर कॉल एंड क्लिक ऑन लॉगिन। अब यहाँ से हम लोग करेंगे विजिट साइट, तो विजिट साइट पर आप देख रहे हो जो हमने पेज डिज़ाइन किया वहाँ से हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो आकिफ का पहला डाउट क्लियर कर दें। तो क्या करना है आपने, सेटिंग्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरल, और यहाँ से आपने जाके चूज़ करना है सॉरी यहाँ नहीं, आपको इसके लिए आना है कस्टमाइज अपीयरेंस में, कस्टमाइज में आना है आपको। कस्टमाइज में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड लास्ट, होम पेज सेटिंग्स, इसको क्लिक करो। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट या फिर स्टैटिक पेज, यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी आपने पेज बनाया होगा वो पेज आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश। सो अब क्या होगा कि जब आप पेज को रीलोड करोगे तो ये पेज रिप्लेस होके जो हमने डिज़ाइन किया उसके साथ चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज, इतना करना है आपने। नेक्स्ट वापस से पेज में आएंगे, चूज करेंगे ऑल पेजेस, ये है अपना होम पेज। जो भी आपका पेज डिस्प्ले होता है बाय डिफॉल्ट उस पर क्या लिखा था, फ्रंट पेज, तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये मेरा होम पेज है, चाहे भले से इसका नेम सर्विस ही क्यों ना हो लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करना है आपने एडिट, बिल्डर कैसे एक्टिवेट होगा ये सब आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फुल विड्थ मेन्यू कॉल किया था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक कस्टम सीएसएस डाल के बेसिकली लेफ्ट और राइट में इस तरह से हैंडल किया है, और एक दूसरा पार्ट हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर मिडिल में। सो हमें मिडिल वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी इसमें, तो फुल विड्थ वाला जो पार्ट है हमें इसको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको डिसेबल, किस पर बंद करना चाहते हो। तो जैसे आप लोग क्लास लगाते हो ना मीडिया कैरी की कस्टम कोडिंग के अंदर कि डिस्प्ले मोबाइल पर रन हो जाए, उस पर ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पर आप बहुत इजीली किस पर बंद करना चाहते हो सिंपल टैप करके बंद कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, तीनों पे डिसेबल, और हमने यहाँ से क्या बोला इसको अपडेट, अपडेट पर क्लिक चाहे तो करिए, नहीं तो कंट्रोल एस और ये हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो नेविगेशन आपको यहाँ से रिमूव। तो इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है, जैसे आप लोग कोड को कमेंट करते हो ना, एक तरह से ये डिसेबल जो हमने चूज किया वो कमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमें जैसे आगे कंटिन्यू करना है इसमें, तो फोटोशॉप ओपन करते हैं। ये अपना टेम्पलेट था इसमें, जूम करिए इसको। सो जैसे सेकंड वाला सेक्शन अगर हम लोग बनाए इसमें, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, फ्लैट कलर। तो इस फ्लैट कलर का कोड यहां से करेंगे गेट कॉपी, और अपने वेब ब्राउजर में आइए। तो देखो ये एक अलग रो हो गया, अब हमने एक नया रो बनाना है। ठीक है, तो अगर आप नया रो बनाओगे तो ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है उसमें भी कंटिन्यू हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, एक न्यू सेक्शन, सेक्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास चॉइसेस होंगी रेगुलर, स्पेशलिटी एंड फुल विड्थ। रेगुलर में आपको बूटस्ट्रैप के जो प्रिंसिपल्स हैं सारे वही दिखाई देंगे, और अगर हम यहाँ से इंस्टेड ऑफ चूज़ करते हैं स्पेशलिटी, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह का अगर आपने कहीं पर बनाना है कॉलम के अंदर रो,
तो वाला पार्ट भी आपको उसमें मिल जाएगा देखने के लिए। तो फिलहाल हम चूज़ करेंगे रेगुलर, क्योंकि हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट है, और इसमें जाके आप यहाँ से चूज़ कर लें अपना एक रो। रो में हमें क्या कलर कॉल करना है, अब ध्यान दें अगेन कि अगर मैंने रो में कलर अप्लाई किया तो सिर्फ इतने बीच में कलर आएगा, समझ आ रहे हैं, और हमें चाहिए फुल स्क्रीन में कलर। तो आप कलर कहाँ कॉल करेंगे, सेक्शन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, क्लिक ऑन प्लस, यहाँ पर अपना कोड ड्रॉप कीजिए, इसमें हैश लगाइए, ऑलरेडी ऐड हो गया, और यहाँ से ओके। ठीक है, तो कलर हमने अपना कॉल किया। नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन हमने कॉल करना है, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी, यहाँ पर आपने यूज़ कर लेना है टेक्स्ट, क्लिक करेंगे यहाँ पर, अब ये टेक्स्ट क्या है, फुल विड्थ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके अपने टेक्स्ट को टाइप कीजिए। अब ये टेक्स्ट क्या है, एक हेडिंग की तरह है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि H1 अगर आप ऑलरेडी कहीं यूज़ कर चुके हैं तो अगेन नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो आप H2 लो या कुछ डिफरेंट लो, और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा कोई फोकस कीवर्ड नहीं है तो आप इसको पैराग्राफ ही रहने दो उस केस में। ठीक है, इसके अलावा और क्या आपको रिक्वायर्ड है इसमें, ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो आप चाहे तो दो टेक्स्ट ब्लॉक कॉल कर सकते हो एक के बाद एक। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से इसको कस्टमाइज पहले कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ये टेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप ये देखोगे इसमें है टेक्स्ट, यहाँ पर है लिस्ट, यहाँ पर है लिंक, यहाँ पर है आपका कोड। ठीक है, तो फॉन्ट चेक करो हमारा फॉन्ट क्या है, यहाँ पर फॉन्ट अपना आर्चिवो बोल्ड, यहाँ जाइए आर्चिवो, यहाँ से रिप्लेस करेंगे बोल्ड। स्टाइल अपर केस है लोअर केस, वो चेक कर लो, लोअर केस है सब कुछ, 63.66। तो टेक्स्ट साइज यहाँ से हम लोग या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 63, और ये पार्ट अपना ओके हो गया। बात आती है कलर, तो कलर कोड आप यहाँ से इसका गेट करेंगे, और यहाँ पर आपने जाके पेस्ट करना है, हैश ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और बार बार मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप व्यू ऑन कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे डेस्कटॉप व्यू में और चेक करेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आपने इसको सेंटर वगैरह अलाइन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर करने का ऑप्शन इधर अवेलेबल है, सेंटर हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका कॉपी बनाना है। नेक्स्ट कॉपी हम लोग क्या चेंज करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी, यहाँ जाइए एडिट पेस्ट। अब इसका फॉन्ट साइज आपने डिफरेंट रखना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट नेम कॉपी 25, तो यहाँ जाइए रेगुलर, कलर सेम रहेगा, फॉन्ट इज 25, कंटेंट पाइए टेक्स्ट, कहाँ पर आपने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, टेक्स्ट में आइए, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इसमें BR, ब्रेक हो गया। यहाँ से ओके। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान से देखना है कि हमने जब टेक्स्ट को सेंटर किया विजुअली हो तो गया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टाइल जो है वो इनलाइन हो गया। ठीक है, तो जब आप इस वेबसाइट को अगर खाली डिज़ाइन करें तो ठीक है, बट जब ये जाएगा किसके पास, गूगल में चेक होने के लिए, तो गूगल आपको इस पर एरर देगा। तो सेंटर अलाइन या जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो मेक श्योर कि इनलाइन CSS ना हो। तो इसको हम लोग यहाँ से सेंटर नहीं करेंगे, इसको हटाइए, आपने कहा है डिज़ाइन, और यहाँ पर आके आपने इसका कंट्रोल देखना है कि सेंटर वगैरह करने का ऑप्शन यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, तो सेंटर हो गया, तो यहाँ पर कंट्रोल दिया। अब ये जो हुआ है ये स्टाइल डॉट CSS में हुआ है चेंज, क्या कह रहे हो, ये बूटस्ट्रैप सपोर्ट नहीं करता, ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप पे ही चल रहा है, वर्डप्रेस में बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। इसी तरह से आपने इस वाले पार्ट में चेक करना है कोड में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको क्या करना है रिमूव, और यहाँ से डिज़ाइन में आपने आगे चूज करना है टेक्स्ट, और नीचे में कंट्रोल मिलेगा सेंटर। तो अब आप अगर यहाँ कंटेंट में आते हो लौट के वापस और टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो क्या यहाँ पर सेंटर ऐड हुआ नहीं ना, तो ये ध्यान रखना है। तो कहीं भी अगर आपका इनलाइन होगा तो आपको उसके कंसोल में एरर देखने के लिए मिलेंगे जब आप उसको जाओगे किसी SEO टूल पर चेक करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जनरली हम लोग फटाफट में बना तो लेते हैं चीज़ें सेम, लेकिन एंड में जाके आपको दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट पार्ट, अब जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को यहाँ पर एक नया बनाना है, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। अब हमें कितने कॉलम बनाने हैं, तीन कॉलम क्रिएट हो गए हमारे। अब इन तीन कॉलम में हमें क्या कॉल करना है, इमेज और टेक्स्ट। तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे इमेज, इमेज में कौन सा इमेज आप डालना चाह रहे हो, डिलीट, ऐड इमेज। यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग डेस्कटॉप, वैसे फोटोशॉप से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बट हम जल्दी काम ख़त्म करते हैं। फाइंड करेंगे स्टार डॉट पी एस डी, और यहाँ से इस टेम्पलेट को हम लोग करेंगे फाइंड। तो यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर दिखाई दे रहा है, ये सारे ग्राफिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ से लोकेशन कॉपी और अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में एक ही बार में सबको क्या कर देना है, अपलोड। तो यहाँ पर लोकेशन पेस्ट करेंगे, जो जो आप ऑलरेडी डाल चुके हो वो नहीं डालना है। तो हमने क्या क्या डाल दिया है, एक तो अपना लोगो और एक अपना हेडर बेस, सेलेक्ट ऑल, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब अपलोड है ना। तो यहाँ पर आपके ग्राफिक्स अपलोड हो चुके हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर ग्राफिक है वो इस पर्सन का होगा, तो हमने इसको किया सेलेक्ट, अपलोड एंड इमेज, इमेज यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ओके कर दो। इसके बाद आप इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हो तो वो डाल सकते हो। तो अब जैसे ये इमेज हमें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसकी सेटिंग कर लो, एडिट। तो क्या यहाँ पर कोई अलाइनमेंट का कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है, नो, क्लिक ऑन डिज़ाइन, यहाँ पर अलाइनमेंट अवेलेबल है, कहाँ रखना है हमने, सेंटर, ठीक है, ओके कर दो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको कॉपी डुप्लीकेट मॉड्यूल, और यहाँ से निकाल के कहाँ लगा दोगे, इस वाले पार्ट में, ठीक है। इसी तरह से फिर से कॉपी, तीनों में ऐड हो गया। यहाँ से जाएंगे एडिट, सेकंड फोटोग्राफ से रिप्लेस, आई थिंक यही है, नहीं है, ओके ठीक है। तो ये पार्ट हमने अपना इस तरह से क्रिएट कर लेना है। वायर फ्रेम व्यू पर वापस आना चाहते हो क्लिक कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे तीनों इमेज इसमें कॉल हो चुके हैं कंट्रोल एस। तो एक सेक्शन में, एक रो में कोई कॉलम नहीं है, दूसरे रो में तीन कॉलम्स हमारे पास हैं। रिफ्रेश करेंगे इसको, लिटिल बिट स्पेसिंग का शायद आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, वो हैंडल हो जाएगा बाद में। बना इतना पार्ट, बैकग्राउंड में हमें वो ग्राफिक कॉल करना है जो इसके पीछे एक पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। तो इसका नेम हमने रखा होगा शेफ बेस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये है सब्सक्राइब पॉपुलर पैकेज शेफ बेस, अपलोड एन इमेज, ये अपना इमेज अपलोड हो गया इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर जो कलर डाला था वो भी इसमें आ गया और हमारा इमेज भी इसमें ऐड हो गया। इसके बाद आपने इमेज को क्या करना है, कवर करना है। कवर करोगे तो जितने एरिया में डाल रहे हो उसको कंप्लीट कवर कर देगा स्केल करके, जिसको हम लिखते हैं CSS कोडिंग में 100%, है ना। और इमेज की पोजीशन कहाँ रहे, सेंटर में, रिपीटेशन नो, ओके करिए, कंट्रोल एस करिए, और एक बार ज़रा रिफ्रेश करके चेक करो क्या हो गया, इसको कॉल हो गया पैटर्न इस पर, तो ये आ गया। नेक्स्ट टेक्स्ट,
यहाँ आएंगे, इधर हमने टैक्स ऐड करना है। तो ये चेक करो यहाँ पर कि ये वाला फंड जो था हमारा, इसका नेम क्या है, आर्चिवो बोल्ड, और इस फंड का नेम क्या है, इसको चेक करो, सेम है। तो बस हमें साइज ही मैनिपुलेट करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी बनाएंगे कॉपी, इसको ड्रैग करेंगे और कहाँ डाल देंगे, इसके अंदर, ठीक है। चलो बीच वाले में डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ से कॉपी बनाओ, पहले एक को सेट कर लो किसी को। हाँ जी, तो पर्सन नेम कॉपी, फॉन्ट साइज 33.33, ओनली 33। अलाइनमेंट सेंटर रखना है। फिर आप इसकी कॉपी बनाएंगे, इसके बाद इसका डेजिग्नेशन इज अ फाउंडर, एडिट, नेम चेंज, फॉन्ट है इसका न्यूनिटो। तो यहाँ से आपने डिज़ाइन में जाना है और इसको आपने न्यूनिटो से रिप्लेस कर देना है। न्यूनिटो बोल्ड है क्या, है नॉर्मल है ना, ये सेमी बोल्ड है, तो हमें यहाँ से सेमी बोल्ड चूज़ कर लेना है। और ये पार्ट भी हमारा सेंटर लाइन रहेगा, ठीक है। तो बनाइए कॉपी, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से फुटर टेक्स्ट कॉपी, ठीक है। यहाँ पर हमने शायद फॉन्ट साइज चेंज नहीं किया था ना, कितना था फॉन्ट साइज, तो यहाँ पर 25 कर दो, ठीक है। तो अब मुझे वापस इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट पे क्लिक, और यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, यहाँ क्या बोलेंगे, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल। तो ये जानबूझ के किया मैंने, ताकि आपको सिखा सकूँ कि भाई बार बार हमें सेटिंग में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक को चेंज करो, सबको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एस, और फिर से यहाँ पर जाके इसको रीलोड करेंगे। तो ये लोडिंग जब तक चलता है तब तक रिफ्रेश नहीं करते। अब करो, आ गया सबका। दो जो है वो को फाउंडर है, बाकी एक जो है अपना फाउंडर है इसके अंदर, है ना। तो बस थोड़ा सा आपने ये चेंजेस कर लेना है। तो चेंज करने के लिए अंदर ना जाना पड़े, बाहर से चेंज हो जाए, सीधे डेस्कटॉप व्यू पर क्लिक, और यहीं से आप जाके इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब होता क्या है ना, देखो अगर सिंगल लाइन होगा तो आप इसमें ना क्लिक नहीं कर पाते हो, अगर मल्टी लाइन होता है तो आप इसको एडिट कर सकते हो बड़े आराम से, इसके अंदर आपका कर्सर आ जाता है। सिंगल लाइन के साथ थोड़े से चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ से इसको ऐसे ही करोगे, जाके क्या लिखेंगे, को फाउंडर, इसी तरह से इसको भी एडिट करके को फाउंडर कर दीजिए। तो समझ आया सेक्शन कैसे बनेगा। अब इसके बाद ऊपर नीचे कुछ गैप देख रहे हो, ये गैप हमने भी मेंटेन करना है इसमें। तो डिज़ाइन मोड में रहिए, बहुत इजीली कैसे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारे दो रो हैं, ठीक है, एक ये रो है और एक ये वाला रो है। तो ऊपर पॉइंटर लेके जाइए, कुछ दिखाई दे रहा है सिलेक्शन यहाँ पर, और नीचे पॉइंटर लेके जाइए, ठीक है, ये एक पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं इस पार्ट को ड्रैग करता हूँ तो गैपिंग कम ज़्यादा हो रहा है, समझ आ रहा है। तो कितना डाला मैंने, जैसे 126, तो उतना ही आप ऊपर भी डालोगे उसके अंदर। तो इस तरह से सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर इसमें अवेलेबल है, हैंडल हो जाएगा इजीली। कंट्रोल एस, अब देखो ये जो हमने सेक्शन डिजाइन किया है, इसी का एक बिल्कुल डुप्लीकेट सेक्शन आपको और दिखेगा नीचे, तो इस पूरे पार्ट को आपने क्या करना है, डुप्लीकेट सेक्शन, बन गया एक नया पार्ट, उसी पहले पार्ट की एक कॉपी।
तो कैसे पता चले कि हम कहाँ काम करें, क्योंकि यहाँ तो सेक्शन 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 लिखा रहा है सभी के अंदर, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग इसको पहचानना। तो बढ़िया तरीका ये होता है वर्डप्रेस में कि जो सेक्शन आप बना रहे हो उसी नेम से उसको डिफाइन कर दो। जैसे कि ये सेक्शन जो है इसको आप रीनेम कर सकते हैं, क्या है ये, हेडर। फिर हमने एक नया सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था जो कि था शेफ, तो हमने इसको लिखा शेफ। फिर हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और इस सेक्शन का नेम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एस्थेटिक्स। अब आइडेंटिफाई करना आसान हो गया, ये हो गया। तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पता होगा कि आप किस सेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हो उसके अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने ये स्टैटिक्स का टेक्स्ट कॉल करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे इसको एडिट, और यहाँ से आपने शेफ को रिप्लेस कर देना है विद स्टैटिक्स। नेक्स्ट, इसका फॉन्ट साइज कितना है, 62.26, और बाय डिफॉल्ट ये भी आर्ची वो बोल्ड ही होना चाहिए। हाँ वही है। कलर क्या है, वाइट। तो डिज़ाइन, टेक्स्ट, कलर वाइट, 63 रहने दो, और ये सब अपना सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ये टेक्स्ट अपना यहाँ से कॉपी, इधर आएंगे इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक आप इसको रिप्लेस करोगे, और इस फुल स्टॉप के बाद आपने क्या लगाना है, बी आर। डिज़ाइन में जाएंगे, टेक्स्ट, इसका कलर क्या रखेंगे, वाइट। अगले पार्ट में आ जाओ। अब यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह के हमने सर्कल बनाने हैं तीन, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिखना है, टेक्स्ट, ठीक है। पहले कंट्रोल एस करो, और उससे पहले मुझे एक काम और करना था, बैकग्राउंड को मॉडिफाई करना है। तो इस सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज नहीं है, फ्लैट कलर है ओनली। तो आप यहाँ पर एडिट पे आएंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट, कलर कोड अपडेट, इमेज, इमेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, डिलीट। ओके, कंट्रोल एस। रिफ्रेश, बनिया वाला पार्ट। अब जो ये हमारे पास तीन इमेज हैं, इनकी जगह पर हमें क्या डालना है, वैसे मैटर भी है यहाँ पर लेकिन वो कलर सेम है तो दिख नहीं रहा आपको। तो एक तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो पार्ट है हमें सर्कुलर कैसे बनाना है। तो कहाँ गया, इस पे आओ, इधर तो एक एक करके आइटम डिलीट करने से अच्छा क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एक नया रो बना लें विथ 3 कॉलम्स, और नीचे वाले को वन गो में रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने किसका डिलीट किया पहले ये देख लेना, अंडू, कंट्रोल जेड से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ आओ। तो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर शेप इसमें अचीव करना है, तो आप यहाँ से एक ऑप्शन ढूंढेंगे, ब्लर। ब्लर में आइए, टाइटल क्या लिखना है और बॉडी मैसेज क्या लिखना है वो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें, इमेज एंड आइकन इसमें अवेलेबल होता है। प्लेसमेंट हमें कहाँ करना है, तो यहाँ से हम लोग एक टाइटल कॉपी करेंगे, लाइक 7K, इसको कॉल करिए यहाँ पर। कस्टमर, ओके, फिलहाल इसकी कॉपी बनाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रीव्यू कर लीजिए इसको यहीं पर। तो ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया। इसमें यहाँ से मॉड्यूल सेटिंग में आएंगे, मॉड्यूल सेटिंग में आने के बाद आपने आना है यहाँ से
कोई इमेज आइकन अगर इसमें लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो, फिलहाल हमें इमेज या आइकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें आना है डिज़ाइन। तो यहाँ पे कहीं बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर की थिकनेस आपने कितनी रखनी है, तो ये एक शेप बनी हुई है यहाँ पर, तो इसकी थिकनेस कितनी है, 5 पिक्सल्स। तो बॉर्डर की थिकनेस हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 5, हो गया। कलर क्या रखेंगे, वाइट। रेडियस ढूंढो, रेडियस का ऑप्शन भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिफ्टी परसेंट। तो अभी क्या है ना, एक एलिप्टिकल फॉर्म में है तो आपका इस तरह से राउंड हो जाएगा। ठीक है, आरईएम करोगे तो इस तरह से पिल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमें इस सेक्शन को कुछ ऐसा करना है कि एक हाइट और विड्थ दे दें 1:1, तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो कहीं पर कुछ विड्थ और हाइट का ऑप्शन आता है क्या, टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, साइजिंग। तो यहाँ पर कंटेनर विड्थ है एंड यहाँ पर हाइट भी अवेलेबल है, तो ये मुझे यहाँ से मिल सकता है इसका विड्थ और हाइट। सेलेक्ट करेंगे इस एरिया को, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी एंड क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन, कितना आ रहा है, 310। ठीक है, तो ट्राई करके देखो, हमने हाइट पुट किया 310px। ठीक है, इसी तरह से विड्थ 310px, तो ये परसेंटेज हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये अपना विड्थ और हाइट इसमें कॉल हो गया। अब हमारा मैटर जो है वो ढूंढो, वो कहाँ पर है, वो कहीं इधर उधर गायब है। तो मॉड्यूल का अलाइनमेंट आप लेफ्ट सेंटर राइट, अपनी जो विड्थ है उसमें कहाँ रखना चाह रहे हो वो आप सेट कर सकते हो। हमें कहाँ रिक्वायर्ड है, सेंटर में। तो पहले एक पूरा सेट करेंगे, बाकी फिर कॉपी मॉड्यूल और पेस्ट मॉड्यूल सब पेयर कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट हमें सेंटर रिक्वायर्ड है। अब इसमें टाइटल और ये जो हमने दो टेक्स्ट डिफाइन किए इनको हैंडल करो, टाइटल टेक्स्ट, और इसका फॉन्ट है यहाँ से पता करिए आर्चिवो बोल्ड, और इसका साइज है 101 पिक्सल्स। चूज़ करेंगे आर्चिवो, यहाँ से चूज़ करेंगे बोल्ड एंड साइज इज 101px। ठीक है, तो ये पार्ट अपना हो गया। नेक्स्ट, ये मॉन्स्टेड फॉन्ट है 33, तो टाइटल पार्ट मॉडिफाई, बात करेंगे बॉडी टेक्स्ट, कॉपी करो, क्या है बोल्ड 33। तो ये पार्ट अपना डन, कलर क्या रखेंगे, वाइट, और ये क्या है, अपर केस। तो यहाँ पर देखो केस चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए इसके अंदर, आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से चेंज करोगे इसको। तो ये अपना इसका भी कलर चेंज करो, वाइट। अब देखते हैं इसका वर्टिकल अलाइनमेंट पोजीशन। ठीक है, बॉडी टेक्स्ट, साइजिंग, स्पेसिंग, मार्जिन एंड पैडिंग, ट्रांसफॉर्म, हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट, बॉडी टेक्स्ट,
हाँ नहीं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पोजीशन काम नहीं है, हमें तो सिर्फ ये मैटर वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है। तो आप इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। उफ, ओके करना था हमें। किसने इतना लेट ज्वाइन किया भाई? 10:30। इसका साइज था 101। बॉडी टेक्स्ट मॉन्स्ट्रेट बोल्ड, कलर वाइट, अपर केस। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं भाई, क्या हो गया? ठीक है, तो इसको ओके कर लो इस तरह से। इसके बाद कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, यहाँ पर जाके पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, एंड पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल। कंट्रोल एस कीजिएगा इसको और एक बार पब्लिश कर दो ब्राउज़र में, और इसके लिए हम लोग एक कस्टम कोड लिख देंगे यहाँ पर। राइट क्लिक हियर, नहीं पैडिंग नहीं डालना भाई, पैडिंग तो वहीं डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना सेक्शन, इसको हमने यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, ये डिव है, डिव के अंदर हमारे ये आइटम्स हैं, H4 है इसमें एक अवेलेबल, और ये अपना एक टेक्स्ट इस डिव के अंदर है। तो अपने इस वाले डिव को टारगेट करो और यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करो। लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर लिखेंगे हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम, फिर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। इसमें जस्टिफाई आएगा, अलाइन आएगा, हमारा अलाइन से शायद काम होना चाहिए। अलाइन तो लाइन हमारा चल रहा है हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, सही है। तो जस्टिफाई सी होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी जस्टिफाई काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस डिव की हाइट जो इतनी ही है, तो इसकी हाइट दे दो यहाँ पर। आया है ना, क्या हो गया? वो हैंडल तो हो जाएगा, मतलब हो गया, वो खुशी नहीं है। अच्छा
अरे हुआ वो खुशी नहीं है, ज्यादा है चलो। कॉपी यहाँ जाओ, कौन सा मॉड्यूल था ये? ब्लब। आपने यहाँ जाके क्या करना है? एडिट, एडवांस, कस्टम, और कस्टम में यहाँ पे लाके इसको कॉल करना है। ओके करेंगे, पहले एक को जस्ट टेस्ट करके देखते हैं कि अगर इस पे इफेक्टिव होता है तो बाकी पे कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। कंट्रोल एस। अब इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ तो काम हो गया हमारा, ठीक है। अब बस डेटा आपने चेंज करना है इसमें। सेकंड वाले में 109 आउटलेट्स, थर्ड वाले में क्या था? 35 कंट्री। कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। चेंज इस तरह से कर लेना। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिनका खाली डिजिटल मार्केटिंग का है ना, तो उन्हें इतना डेप्थ में एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली इतना काम उनको करना पड़ता है जो बिल्कुल कंपनियां सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करती है। डीएम के अंदर हमारा काम होता है प्रमोशन का। तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा? हमने एक तो डिज़ाइन नहीं करना है, और डिज़ाइन अगर करना भी होता है तो कोई ना कोई एक वर्डप्रेस का बंदा हायर करके रखते हैं। आपको ये वर्डप्रेस इसलिए सिखाया जा रहा है कि कल को जब हम लोग कोड डालेंगे एनालिटिक्स का, तो वो डलेगा कहाँ एक्चुअल में, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हमारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता है कैसे इंस्पेक्ट होता है, कैसे कस्टमाइज होती हैं चीज़ें। अब आसान बनाते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, कि भाई ऐसे करें और हमारा पेज बन के तैयार हो जाए। तो हमने एक पेज बनाया यहाँ पर डेमो, ठीक है। और डेमो पेज बनाने के बाद आप यहाँ से क्या बोलेंगे? यूज़ डीबी बिल्डर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रीमेड लेआउट चूज कर लो। इतनी सारी वेबसाइट्स इसके अंदर बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? हमने वहाँ देखा था 300, बट यहाँ पर 342 वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, जिसके अंदर 2499 पेजेस अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा नंबर ऑफ हो गया ना। अब मान लो कि आपके पास कल को कोई क्लाइंट आता है जिसका फूड एंड ड्रिंक के अंदर है, तो वो कैटेगरी फिल्टर हो गया। अब जो भी पर्टिकुलर आपको डिज़ाइन इसमें से समझ में आए, उसको आप लो और कस्टमाइज करना स्टार्ट कर दो इसके अंदर। हमने चूज किया तो इसका उसका अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है, लैंडिंग पेज क्या होता है? जिस पर एडवर्टीजमेंट चलते हैं। और अगर आपने पूरी वेबसाइट बनानी, तो आप देखोगे इसके अंदर होम, अबाउट, ब्लॉग, मेन्यू, कॉन्टैक्ट सब कुछ अवेलेबल है। तो एडवर्टीजमेंट होता है लैंडिंग पेज के ऊपर। हमने यहाँ पर जाके इसको या तो लाइव चेक करना चाहो कर लो, अदरवाइज सीधे क्या करोगे? यूज दिस लेआउट। सब कुछ आ गया बन के। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर हेडर में क्या क्या डाला हुआ सब दिख जाएगा हमें। यहां से करेंगे इसको क्या? पब्लिश। और फिर यहां से इसको बोलेंगे प्रीव्यू। क्या दिखाई दे रहा है? पूरी आ गई वेबसाइट। अब क्लाइंट की इमेजेस वगैरह चेंज करना, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे अपडेट करना है, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली काम होता है जनरली, ठीक है। तो जो अभी तक का हम लोगों ने दो क्लास में देखा, लास्ट क्लास और करंट क्लास में, वो है उनके लिए जो कंप्लीट कस्टमाइजेशन जानते हैं। अब आपके लिए ना वो थोड़ा चैलेंजिंग है, जैसे कैसे क्लास को ढूंढना है, उसमें क्या प्रॉपर्टी मैंने लिखी। अब जो लोग पहले से पढ़ चुके उन्हें तो पता है भाई जस्टिफाई कंटेंट वगैरह क्या करता है। आप लोगों को नहीं पता तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं उस चीज़ का। तो आपने चलना है इस मेथड से, डीएम वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट, जैसे यास्मीन है, बाकी आप दो लोग हैं, ठीक है।
तो क्लियर हुआ? तो डीएम वाले लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका काम क्लिक पर होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन बोल दिया जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस कंडीशन में जनरली एड एजेंसीज क्या करती है, एक दो वर्डप्रेस के डेवलपर हायर करके रखती हैं अपने यहाँ पर, तो वहाँ पर जस्टिन हैंडल कर लेगा उस चीज़ को, है ना। चलिए, तो देखो किसी पार्ट को मॉडिफाई करना कितना आसान है आपके लिए। आपने बस यहाँ से सेम कंप्यूटर डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करना है, और जो भी आपको टाइटल चेंज करना है सिंपल उसके ऊपर माउस लेके जाइए, हर एक चीज़ आपकी एडिटेबल है। कोई लिंक आपने चेंज करना है, यहाँ जाएंगे, लिंक के अंदर आएंगे, नया लिंक लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उतना ही आसान है जैसे आप लोग फोटोशॉप वगैरह सीख के आए, बस जाके चीज बिल्कुल कर सकते हो आप इसको पकड़ के, तो पूरा कस्टमाइज ही कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने भी इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये करोगे तो शॉर्टकट में फंस जाओगे। आपने करना है बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन, तो आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये उनके लिए सही है जो बेसिकली डायरेक्ट डीएम वगैरह से हैं। वो है क्लोन, जैसे मान लो कि आपने सेम पेज का एक और बनाना है तो आप क्लोनिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो आज के उसमें आप सिर्फ इतना ट्राई करके देखो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग, जैसे पीएचपी हम लोगों ने सीखा है ना, तो हम लोग पीएचपी में क्या करते हैं कि जैसे हेडर या फुटर हमारा थ्रू आउट वेबसाइट एक ही होता है, तो हम लोग वो यूनिवर्सल काम कैसे करें कि क्लाइंट बोले कि भाई इसमें कुछ नया ऐड कर दो तो मैं एक जगह चेंज करूँ, सब जगह पर ग्लोबली चेंज हो जाए। या फिर मान लो कि आपने एक फॉर्म बनाया, वो फॉर्म कई जगह पर यूज़ होने वाला है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट पर नहीं होगा, वो हो सकता है इंक्वायरी के पर्टिकुलर पेज हो वहाँ पर भी अवेलेबल हो। हाँ, क्रेडिट तो उसमें ऑलरेडी चल ही रहा है, आप जो भी कर रहे हो सब ऑटोमेटिकली बैकएंड पर डेटाबेस पे चल रहा है। तो आपको कस्टम कोड कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मैं आपको तरीका बताऊँ कैसे ग्लोबल आपने चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपने एक जगह चेंज किया, जितनी जगह वेबसाइट में वो एलिमेंट यूज हुआ होगा वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डीवी अपने आप में बड़ी कमाल की थीम है, और यहाँ से जब आप इसके अंदर आते हो ना, इसको मैं अपडेट करके सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ना आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। एक तो हो गया कि आप इसकी खुद की थीम यूज़ कर रहे हो, एक डीवी आपको फैसिलेट करता है थीम बिल्डर, आप वर्डप्रेस के अंदर अपनी खुद की थीम भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी तुमने क्या किया ना, रेस्टोरेंट का बना बनाया थीम लिया, तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया थीम खुद का बना सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, ठीक है। ये थोड़ा सा इनडेप्थ वाला रहेगा हमारा, तो इसको हम लोग अलग से समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक ही थीम के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट बना बना के रख सकते हैं, जब आपका मन करे थीम का मोड चेंज कर दो। जैसे मान लो आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलर फेस्टिव टाइम पर चेंज हो जाती हैं, जैसे क्रिसमस आया तो अलग लुक हो गया वेबसाइट का, तो वो कैसे हो रहा है रातों रात, आप सुबह उठते हो वेबसाइट चेंज, भाई कल तो ऐसी आ रही थी, ये जादू कैसे हुआ, है ना। तो जो लोग सेल परचेजिंग उस वेबसाइट पर करें वो चलता रहेगा, और यहाँ पर एक क्लिक में पूरा वेबसाइट चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये जो मैंने आपको डीवी का थीम बताया, थीम लाखों है वर्डप्रेस की, लेकिन इससे बेस्ट थीम कोई नहीं है, ठीक है। एक जैसे एक और थीम आती है जुपिटर के नाम से, बड़ी एक्सपेंसिव थीम है, ठीक है, बट वो बहुत हैवी भी है साथ ही साथ, मतलब कि आपको रैंक करने में फिर दिक्कत आएगी। तो हमें ये भी देखना है कि जैसे एक गूगल की टेक्नोलॉजी है एएमपी, ठीक है। एएमपी क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, यानी कि आप किसी रिमोट एरिया में हो और आपका नेट वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, और आपने इस तरह की कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना दी बड़ी हैवी सी इमेज लोडेड, तो ये तो चलेगी नहीं ना वहाँ पर। तो विजिटर जो होगा उसको इस इमेज का कुछ करना नहीं है, उसे तो खाली कुछ ऐसा चाहिए ना कि भाई मेन्यू देख लिया, मैंने क्लिक किया सीधे मेन्यू खुल गया मेरा फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर मेरा लाइट मोड पेज का ऑन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एएमपी, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो यानी कि आपके डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हट जाएंगे, प्लेन पेज लोड हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी थीम हमारी एएमपी को सपोर्ट करती है, क्योंकि गूगल में अगर आपने फास्ट रैंक करना है तो आपको एएमपी इनेबल्ड थीम डालनी पड़ेगी, तो इसमें एएमपी भी आपका चल जाएगा। तीसरा, कल को किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, उसको लगता है कि मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स गुड्स इस वेबसाइट के थ्रू सेल परचेज कराने, तो आपका ये वेबसाइट ई कॉमर्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इस थीम पर ई कॉमर्स भी चल जाएगा। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे इसके अंदर वो भी सिखा देंगे आपको। तो मतलब जो डीएम वाले हैं उनके लिए बोनस है, मतलब सीख लो, ठीक है। सर,
वो यहाँ डालेंगे आप थीम ऑप्शंस, इसके अंदर अपडेट्स, और यहाँ डालना है तो वीडियो देख लेता, वीडियो डाली तो थी मैंने। अच्छा नहीं, दीपू को बोल रहा हूँ मैं, दीपू बता नहीं रहा। हाँ क्या क्या, दोबारा पूछो। हाँ, एक और वेबसाइट बनानी है तो दो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, उसका नाम चेंज कर दो, एक का नाम, जैसे हमने तो भी डिफॉल्ट वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर बनाया, आप उसका नाम अरीना कर दो, एक का नाम कुछ और, एपटेक कर दो, कुछ भी रख सकते हो फोल्डर का नेम, ठीक है। वो उतने वर्डप्रेस डाल सकते हो, क्यों डिलीट करना, रखे ना उसको भी, पीसी भरेगा, लेकिन पीसी में तो स्पेस बहुत होता है ना, सर्वर थोड़ी ना पीसी हमारा, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना के बराबर। वर्डप्रेस का मार्केट आप ऐसा मान के चलो कि सबसे पहली जो वेबसाइट बनती है वो वर्डप्रेस ही होती है, फिर उसके बाद बनती है कस्टम वेबसाइट, क्योंकि वर्डप्रेस में डेवलपर्स बहुत कम होते हैं जो इसको कस्टमाइज कर पाए, तो क्या होता है फिर लोग कोर पीएचपी पर जाके लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पीएचपी सीखा हुआ है, तो पीएचपी में क्या होता है हम लोग उतनी चीज़ें डालते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है। अब वर्डप्रेस जब आपने इंस्टॉल किया तो 200-250 MB का पूरा एक बंच बन जाता है इसका, जैसे 23 MB समथिंग हमने डाउनलोड किया था शायद, कुछ इधर जाओगे जैसे कहाँ पर डाला था हमने, डी ड्राइव, जैम, htdocs, तो ये हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर है। तो अब आप देखो थीम में डालने के बाद ये कितना हो गया, 136 MB का है। तो जब आप इसको होस्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस का पूरा फोल्डर उठा के आप डालोगे, आपका जो इसमें काम की चीज़ें अभी तक जितना हमने काम किया है वो हार्डली 200 KB की भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 200 KB की हम बात करें ये है जेसन डेटा, जो हम लोग API में समझते हैं, लेकिन जब जेसन डेटा डिकोड होता है उससे जब डोम रेंडर होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये मान के चलो आपकी थीम जितने MB की है वो, प्लस आपका जो मीडिया का फोल्डर है वो, प्लस आपने जो टेक्स्ट कंटेंट डाला हुआ है, उन सबका साइज़ कैलकुलेट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो यहाँ पर थीम डाली है वो हमने डाउनलोड करी थी 15-16 MB की, बट एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो थीम कितनी बड़ी हुई है हम ज़रा चेक करेंगे, WP कंटेंट थीम DB कितनी हो गई, 57.8 MB की। अब 57.8 MB के अंदर ऐसा सोचो कि हम लोग बूटस्ट्रैप सीख के आए हैं, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है जब आप लाइब्रेरी लगाते हो ना स्टाइल और बंडल, तो सारी चीज़ें तो आप यूज़ करते नहीं हो, आप तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें यूज़ करो, तो सिमिलरली इस थीम के आप सारे फीचर तो यूज़ कर नहीं पाओगे एक ही वेबसाइट में। अब जैसे हमने यहाँ पर एक ही पेज बनाया, दो पेज बनाया, तो हमने ई कॉमर्स की फैसिलिटी तो यूज़ ही नहीं की, तो इसमें ई कॉमर्स फालतू में है, समझ गए ना आप। तो ये वेटेज होती है बेसिकली। अब बात करें कि जब रेंडर होगा तो क्या ये ई कॉमर्स का पार्ट भी कंसिडर होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिस पेज में जो फंक्शनैलिटी हमने लगाई है सिर्फ वही काउंट होती है। तो इसलिए वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है, बट हाँ ये है ये फ्रेमवर्क है तो थोड़ा स्लो होता है, तो इसके लिए आप क्या करो थोड़ा सा खर्चा कर लो, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप होस्टिंग कॉस्ट से कंपेयर करो तो डेवलपमेंट बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो बेटर इसकी एक होस्टिंग खरीदो बढ़िया सी और वहाँ पर जाके इसको होस्ट करो, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट गोली की तरह चलेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज तक पूरा वही है, ANI की वेबसाइट, उस पर तो खैर हमने काम किया, पाइथन जेंगो ऊपर बना हुआ है, फिर एक और है आपका इंडियन एक्सप्रेस, ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है इंडियन एक्सप्रेस, है ना। अब अगर हम इसके साइट मैप में जाएं, ये साइट मैप क्या होता है, ये सब आप डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ेंगे, हमारे वेब वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे इसको, तो आप ये सोचिए कि इस वेबसाइट पर, मैं ज़रा जूम करके कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना आता है, आप देख रहे हैं सन 1981 से लेके टिल डेट तक का डेटा है, 1981, काफ़ी पुराना इन्फॉर्मेशन है ना इनके पास। और आप ये देखोगे ये इन्फॉर्मेशन 1996, 1999, 2001, 2 और ऐसे ये बिल्कुल लेटेस्ट तक चल रहा है आपका। तो मैंने इसकी पूरी कुंडली खोल ली कि इस वेबसाइट में कब से कहाँ तक इन्होंने अपडेट किया कंटेंट। फिर ये जितने भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये इन सब के अंदर फिर बेइंतहा डेटा और रखा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल के लिए
मैं यहाँ से सिर्फ आज के डेटा की बात करता हूँ, मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ जाके मैंने इसको किया कॉल, तब इसके अंदर देख रहा फिर से इतना सारा डेटा और निकल के आया। अब ये क्या है, ये हर थोड़ी देर में जो नई न्यूज़ आ रही है ये वो है, ये देख रहे सारे न्यूज़ रखे हुए यहाँ पर, ये दिस इज अ जेसन, ठीक है, एक्सएमएल के साथ चल रही है बेसिकली। तो बहुत कुछ सीखना बाकी।